हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि हिप्नोटिक सेडेटिव किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। हिप्नोटिक और सेडेटिव एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। जब आप किसी भी ड्रग को, जो आपकी स्पेशली इस कैटेगरी की ड्रग है, जब आप उसे कम डोज में देते हो तो वो सेडेशन कॉज करती है, लेकिन जैसे ही आप उसकी डोज को थोड़ा बढ़ाते हैं तो वो हिप्नोसिस कॉज करता है, बताया था। उसके बाद मैंने क्या बताया था, अगर आप डोज थोड़ी और बढ़ाएंगे तो पर्सन जो भी है वो अनकॉन्सियस हो जाएगा। उसके बाद और डोज आप बढ़ाइए तो उसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। और आप जानते हो कि एक बार आपका रेस्पिरेटरी सेंटर अगर डिप्रेस हो गया तो आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आएगी, और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आएगी तो फाइनली अगर उस स्टेज में आपने पर्सन को ट्रीट नहीं किया तो क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है ना। तो ये था जो हमने हिप्नोटिक सेडेटिव के बीच में डिफरेंस देखा था। फिर हमने जो मेन यहाँ पे पॉइंट आया था वो यही था कि भाई ऐसी कौन सी जरूरत पड़ रही है कि जब हमें हिप्नोटिक्स या सेडेटिव्स को देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली आपको नींद आती है ना। कुछ आपकी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपको एंजाइटी है, उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, मेडिसिंस का सहारा लेना पड़ता है ना। ऑब्वियसली सेडेटिव डोज आपको लेनी पड़ती है। तो ऐसे केस में ऐसा क्या हो रहा है बॉडी में, तो हो ये रहा है कि हमें पता है कि हमारे नर्वस सिस्टम में दोनों टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर एक बैलेंस लेवल पे रहते हैं। एक बैलेंस होता है बिटवीन एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी में आपको पता है हमारे पास एसिटाइल कोलिन है, ग्लूटामेट है। अगर हम इनहिबिटरी की बात करते हैं तो हमारे पास गाबा है, ग्लाइसिन है। तो इनके बीच में क्या है, बैलेंस है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। दोनों के बीच में बैलेंस होना ज़रूरी है। लेकिन जो इंसान एंजाइटी से आपका सफ़र कर रहा है, उसके ब्रेन में क्या हो रहा है, उसके ब्रेन में ये हो रहा है कि जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उनका लेवल बढ़ चुका है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर चाहे उनका लेवल नॉर्मल ही क्यों ना है, लेकिन वो उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमारा एम क्या होना चाहिए, तो हमारा एम ये हो सकता है, पहली बात या तो हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को कम करें, कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ग्लूटामेट रिसेप्टर एंटागनिस्ट भी अवेलेबल रहते हैं। और दूसरा जो अप्रोच है वो क्या है, दूसरी अप्रोच ये है कि अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा आपका एक्ट कर रहे हैं तो हम इनहिबिटरी के एक्शन को, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी मेडिसिंस हैं जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को बढ़ाने का काम करती हैं। तो इससे होगा क्या, देखो जो एक्साइटेशन हो रहा था, अभी ये एक्साइटेशन का लेवल था, ये इनहिबिशन का लेवल था, हमने ऐसी ड्रग दी जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट को बढ़ाया और उसकी वजह से क्या हुआ, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी के बीच में बैलेंस एस्टेब्लिश हो गया। तो इस तरीके की जो ड्रग है, ठीक है, जो क्या कर रही है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को बढ़ा रही है, वो हमारी क्या है, क्या है, हिप्नोटिक एंड सेडेटिव की कैटेगरी में आपकी ड्रग आती है। तो मेनली मैंने आपको बताया था प्रीवियस पार्ट में कि गाबा हमारा एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो स्पेशली क्या है, आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। और हमारी जो ड्रग हिप्नोटिक सेडेटिव की कैटेगरी में आती है, चाहे वो हमारा बेंजोडाइजेपीन हो, चाहे बारबिट्यूरेट हो, चाहे नॉन बेंजोडाइजेपीन हिप्नोटिक सेडेटिव हो, ये सारी ड्रग्स इसी मैकेनिज्म पे काम करती हैं। ये गाबा के इफेक्ट को क्या करती हैं, पोटेंशिएट करती हैं। क्लियर है सबको, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था आपको कि गाबा के दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, गाबा ए एंड गाबा बी। दोनों में मैंने बताया था कि डिफरेंस होता है, गाबा ए क्या है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है जिसकी वजह से क्लोराइड आयन चैनल ओपन होते हैं, और गाबा बी जो है जीपीसीआर है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जिसकी वजह से पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं। ऑल्दो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन में इनहिबिशन होगा, जो हमें चाहिए, यही तो चाहते हैं हम। इसीलिए तो हम एंजाइटी के पेशेंट को अगर हम बेंजोडाइजेपीन, बारबिट्यूरेट कोई भी ड्रग दे रहे हैं, उसका रीजन ही ये है, ठीक है, हम डिप्रेशन चाहते हैं। तो ये हमारा क्या है, आज का मेजर जो है हमारा ड्रग जो हमें डिस्कस करनी है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे, लास्ट में मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया था, और आज हम क्या कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट कैटेगरी की ड्रग डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी क्या है, बेंजोडाइजेपीन। हम देखेंगे कि बेंजोडाइजेपीन किस तरीके से काम करती है, लेकिन उससे पहले एक चीज जानना जरूरी है। अभी तक मैंने क्या बताया आपको, एक गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके गाबा ए गाबा बी रिसेप्टर है जिससे वो बाइंड होता है,
और मैंने ये भी आपको बताया था कि जो एंजाइटी के केस में जो आपका मेन जो आपका रिसेप्टर इन्वॉल्व है वो कौन सा है, गाबा ए रिसेप्टर। गाबा बी से आपको कुछ नहीं करना, आप गाबा ए पे फोकस करेंगे। तो इसीलिए बेंजोडाइजेपिन कैसे बाइंड होता है, कैसे इफेक्ट दिखाता है, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि गाबा अपने रिसेप्टर से कैसे बाइंड होता है ना, कि गाबा की बाइंडिंग साइट क्या है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, इस कैटेगरी की हिप्नोटिक सेडेटिव की जो ड्रग्स हैं, हमारी मेजर जितनी भी ड्रग हैं, ये सारी गाबा ए रिसेप्टर पे ही बाइंड होती है। गाबा खुद भी गाबा ए रिसेप्टर पे बाइंड होता है। ये सारी ड्रग्स है, बेंजोडाइजेपिन है, बारबिट्रेट है, नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक सेडेटिव है, ये भी क्या करते हैं, उसी रिसेप्टर पे बाइंड हो रहे हैं। तो अब आप बोलेंगे कि एक ही रिसेप्टर पे इतने सारे मॉलिक्यूल कैसे कॉन्फ़िगरेशन मैच हो रहा है, तो उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि सबकी बाइंडिंग साइट अलग अलग होगी, एक ही जगह पे कोई भी नहीं बाइंड होगा, बाइंडिंग साइट अलग अलग होगी। इसीलिए ये, इससे पहले मैं बेंजोडाइजेपिन बारबिट्रेट का डिस्कस करूं, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि गाबा ए रिसेप्टर दिखता कैसे है, उसमें कौन कौन सी सब यूनिट्स प्रेजेंट है और गाबा कौन सी साइट पे बाइंड होता है, तभी मैं बता पाऊंगी कि बेंजोडाइजेपिन कहाँ बाइंड होगा, बारबिट्रेट कहाँ बाइंड होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले बेंजोडाइजेपिन को स्टार्ट करने से भी पहले मैं गाबा की बाइंडिंग आपको दिखाना चाहूंगी कि गाबा ए रिसेप्टर कैसा होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले गाबा ए, ठीक है, गाबा ए से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि गाबा ए जो रिसेप्टर है ये पेंटामर होता है। ठीक है, पेंटामर मतलब 5 इसमें सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगी। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं 5 सब यूनिट इसकी बना देती हूँ, 1, 2, 3, 4 and 5। 5 सब यूनिट बन गई। ये हमारी सेल की मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारा रिसेप्टर है। तो इसमें आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि रिसेप्टर आधा क्या है आपका इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर है, और आधा पोर्शन इसका क्या है आपका एक्स्ट्रासेलुलर है, यानी कि सेल से बाहर है। तो इसे आप क्या बोलेंगे, ये कैसा रिसेप्टर है, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। ठीक है, हाफ एम्बेडेड है इनटू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हाफ एक्सपोज्ड है एक्स्ट्रासेलुलरली। क्लियर है? अब बात ये आती है कि ये 5 सब यूनिट कौन सी है। देखो, जैसे आप देखते हो कि ऑब्वियसली पहले जब भी ये कोई भी रिसेप्टर को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर देखा जाता है, तो बहुत सारी रिसर्च होती है। ठीक है, गाबा ए का रिसेप्टर आपका एक ऐसा रिसेप्टर है जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि एक ही जैसी सब यूनिट पूरे जगह पे होगी, पूरे ब्रेन में या पूरी बॉडी में जहाँ पे भी गाबा ए रिसेप्टर है, आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें 2 अल्फा सब यूनिट ही होंगी। हो सकता है कि एक लोकेशन पे 2 अल्फा सब यूनिट हो, वहीं दूसरे लोकेशन में 3 अल्फा सब यूनिट हो और किसी और लोकेशन में केवल 1 अल्फा सब यूनिट हो। इस चीज़ को समझ रहे? तो टोटल जो रिसर्च हुई, रिसर्च का रिजल्ट ये था कि 16 आपकी सब यूनिट्स आइडेंटिफाई हुई, टोटल 16 सब यूनिट्स हमें पता चली और हर रिसेप्टर अलग अलग सब यूनिट का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा, जिसकी वही बात है ना, जिसकी प्रिडोमिनेंस ज़्यादा है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जिस टाइप का रिसेप्टर आपको दिखाई दे रहा है, उसी को हम फर्दर स्टडी में यूज करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉम्बिनेशन देखा गया, वो कॉम्बिनेशन क्या था, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो कॉम्बिनेशन ये था कि 1 अल्फा सब यूनिट, 1 बीटा सब यूनिट, सेंटर में गामा सब यूनिट, अल्फा के साथ फिर अगेन बीटा सब यूनिट, इस बीटा के साथ अल्फा। यानी कि जो ये कॉम्बिनेशन था वो क्या था, 2 अल्फा सब यूनिट, 2 बीटा सब यूनिट और 1 गामा सब यूनिट। गामा की जगह डेल्टा भी हो सकता था कहीं कहीं पे, ये भी देखने को मिला। तो आप टोटली, अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछता है कि गाबा ए की कंपोजिशन आप बताइए, गाबा ए रिसेप्टर की, तो आपको ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए कि इसकी कोई यूनिवर्सल कंपोजिशन नहीं है। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सब यूनिट्स का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, बट जो मोस्टली, जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जो कॉम्बिनेशन, वो यही है, 2 अल्फा सब यूनिट, 2 बीटा सब यूनिट, 1 गामा सब यूनिट। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि जो हमारा गाबा ए रिसेप्टर है, मैं यहाँ पे से मेंशन कर देती हूँ, गाबा ए रिसेप्टर। ठीक है, गाबा ए रिसेप्टर में ये आपका बेसिकली क्या है, पेंटामर है, ट्रांस मेम्ब्रेन है,
फाइव सब यूनिट से मिलके बना हुआ है। फाइव सब यूनिट जो सबसे ज्यादा मोस्टली हमें जो कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है वो है दो अल्फा सब यूनिट, दो बीटा सब यूनिट, एक गामा सब यूनिट। ठीक है, समटाइम गाबा की जगह आपको डेल्टा भी देखने को मिलेगा, तो इस चीज में कोई कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सो ये तो था आपका बेंजोडाइजेपीन, सॉरी गाबा का रिसेप्टर, कि गाबा ए रिसेप्टर की क्या कंपोजिशन है। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से, ठीक है, गाबा इस रिसेप्टर से बाइंड होता है, क्योंकि बेंजोडाइजेपीन के बारे में मैं डिस्कस करूं उससे पहले मैं गाबा की बाइंडिंग आपको बताना चाहूंगी। तो देखिए, ये आपको जो सब यूनिट्स दिख रही हैं, ठीक है, इसमें आपको अल्फा और बीटा को, पहले मैं ऐसा करती हूँ, इस सब यूनिट को मैं ऊपर से दिखाने की आपको कोशिश करती हूँ। अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, ठीक है, ये आपका चलिए आई होप फाइव ही है सब यूनिट, ठीक है, इसे आप अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा, ये हमारी सब यूनिट है। अगर आप ऊपर से इसे देखेंगे ना तो इस तरीके से अरेंज्ड है, और आपको ध्यान में रखना है कि इन सब यूनिट्स के बीच में आपका क्या होता है, ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है ये क्या है, ये क्लोराइड चैनल है, ठीक है, जो क्लोज रहते हैं आपके, ये क्लोराइड चैनल है सेंटर में जो आपको दिख रहा है, ये पूरा क्लोराइड चैनल है जो कि क्लोज रहता है, लेकिन जैसे ही गाबा की बाइंडिंग होती है ये चैनल ओपन हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो था टॉप व्यू, आप इसको देखेंगे इस तरीके से आपको दिखाई देगा, यहाँ पे कहीं, तो मैं यहाँ पे बना सकती हूँ, यहाँ पे कहीं क्या है, क्लोराइड चैनल है, ठीक है, यहीं से ये ओपन होगा जो आपको दिख रहा है क्लियर, ठीक। अब होगा क्या, देखो गाबा की बाइंडिंग साइड में आपको बताती हूँ, अगर मैं ये अल्फा और बीटा को अलग से ड्रॉ करूँ, ठीक है, क्योंकि बीटा उसमें पीछे है छुपा हुआ, तो वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है पूरा, ये मैं बना दिया मैंने बीटा, ठीक है, ये रहा हमारी अल्फा सब यूनिट, ये हमारी बीटा सब यूनिट, ये बीटा बैक साइड में है ना, इसलिए फ्रंट पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैंने ऐसे बना दिया। तो गाबा बाइंडिंग साइड कहाँ पे होती है, गाबा आके कहाँ बाइंड होगा, देखो अल्फा बीटा सब यूनिट के इंटरफेस पे, ठीक है, जो सेंटर में आपका पोर्शन पड़ रहा है यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है आपकी, ये साइड को हम क्या बोलते हैं, गाबा बाइंडिंग साइड, BS, ओके, गाबा बाइंडिंग साइड है, यानी कि जब भी गाबा आएगा, मान लीजिए ऑब्वियसली गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो जब भी आपकी बॉडी में उसकी जरूरत पड़ेगी, उसे हमेशा होना होता है बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, तो गाबा आएगा, गाबा अपने रिसेप्टर्स को ढूंढेगा, रिसेप्टर उसे मिला गाबा ए रिसेप्टर, गाबा ए रिसेप्टर में अब वो आपकी बाइंडिंग साइड ढूंढेगा, कहाँ पे है बाइंडिंग साइड, अल्फा बीटा गामा सब यूनिट के इंटरफेस पे, यानी कि टॉप पे नहीं है, सरफेस पे नहीं है, ध्यान रखना कहाँ पे है, इंटरफेस में है, जहां पे रिसेप्टर आपके क्या कर रहे हैं, इंट्रासेलुलर आपका क्या एम्बेडेड है, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपकी बाइंडिंग साइट अवेलेबल है। अब ये जो बाइंडिंग साइट है, ऑब्वियसली देखो ये गाबा है, सपोज ग्रीन कलर से मैं शो कर रही हूँ, गाबा आया अपनी बाइंडिंग साइट से बाइंड हुआ, ये इसकी बाइंडिंग साइट थी, और बाइंडिंग साइट से बाइंड होते ही क्या हुआ, जो ये क्लोराइड चैनल क्लोज्ड थे, ये क्या हो गए आपके, ओपन हो गए, और ओपन होने की वजह से ये चैनल है ना, ओपन होने की वजह से इस तरीके से क्या होगा, सेल के अंदर क्लोराइड आयन की एंट्री हो जाएगी। बताया था कैसे होता है कि क्लोराइड की वजह से फिर हाइपरपोलराइजेशन होगा, और किस तरीके से आपकी प्रोसेस आगे की ओर बढ़ेगी। तो ये है आपका बेंजोडाइजेपीन का, आप सॉरी गाबा का आप बता सकते हैं कि गाबा किस तरीके से बाइंड होता है, किस तरीके से यहाँ कहाँ पे इसकी बाइंडिंग साइट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबकी बाइंडिंग साइट अलग अलग है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे अल्फा और बीटा सब यूनिट के इंटरफेस पे आपकी इसकी बाइंडिंग साइट अवेलेबल है, और सिमिलर है, गाबा आएगा अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, जैसे ही अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, ये जो आपके सारी सब यूनिट्स के बीच में जो क्लोराइड चैनल था, जो हमें ऊपर से देखने पे नजर आया, वो चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, इसके ओपन होते ही इस तरीके से क्लोराइड अंदर एंट्री लेगा, और सेल के अंदर, ये हमारी पूरी सेल है, ये पूरी सेल थी, सेल के अंदर क्या हुआ आपका, क्लोराइड की ये सेल है आपकी, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन थी,
सेल के अंदर क्लोराइड की एंट्री हुई और आप जानते हो क्लोराइड क्या करेगा, सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाएगा, इसीलिए मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी आपकी, हाइपर पोलराइज हो जाएगी। इसके लिए फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है कि कैसे हाइपर पोलराइजेशन होता है। और सेल जब हाइपर पोलराइज होती है तो सबको पता है रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आता है आपका, इनहिबिशन, ठीक है। और यही हम चाहते हैं, अगर कोई पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, अगर कोई भी इंसान है जो उसको एंजाइटी के अटैक आ रहे हैं, ठीक है, वो किसी चीज़ से अननोन, किसी चीज़ से डर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, तो ये सारे रीज़न होते हैं आपके एंजाइटी के। सो आप कह सकते हैं कि अगर किसी को एंजाइटी हो रही है तो ये जो आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा है, गाबा किस तरीके से हेल्प करता है इनहिबिशन के लिए, ठीक है। हमें चाहिए होता है कि एंजाइटी का, अगर कोई भी पर्सन जिसे एंजाइटी है उसके ब्रेन में क्या हो, उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनहिबिशंस हो, ठीक है, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो अपना काम करे। देखो अब क्या हुआ, गाबा ने अपना काम किया, ठीक है। ये नॉर्मल हम लोगों के ब्रेन में होता है, हम लोग जो अभी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई एंजाइटी नहीं है, तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, क्योंकि देखो टेंशन कभी भी किसी को भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक होता है आपका परसिस्टेंट, एक होता है आपका कि किसी वजह से आपका एट ए टाइम, आपको एट ए मोमेंट आपको क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन जिन लोगों को एंजाइटी नहीं है या इस तरीके की कोई आपकी डिसऑर्डर्स नहीं है, तो उनके साथ क्या होता है कि उनके ब्रेन में गाबा इतने इनफ अमाउंट में बन रहा होता है या इतना होता है कि वो बैलेंस कर लेता है चीज को, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि कैसे गाबा की वजह से इनहिबिशन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है जिसे एंजाइटी हो रही है, अब आपको क्या चाहिए बताइए। जब किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम चल रही है, एंजाइटी है सपोज, तो वहां पे क्या आपका जो गाबा है वो ठीक से काम कर पा रहा है? अगर गाबा आपका ठीक से काम कर रहा होता तो क्या उस इंसान को एंजाइटी होती? नहीं होती ना, वो सिम्टम्स नहीं आते। इसका मतलब आपको बाहर से कोई ऐसी मेडिसिन देने की जरूरत है जो इस गाबा की हेल्प करे। गाबा अपना काम करता है नो डाउट, लेकिन जब किसी को कोई डिसऑर्डर होता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो उस टाइम पे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर इतना इनफ अमाउंट में नहीं बन रहे होते हैं कि वो बैलेंस सिचुएशन के साथ कोप अप कर सके, ठीक है। तो हमें बाहर से मेडिसिन देनी पड़ती है, तो उन्हीं मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, हिप्नोटिक एंड सेडेटिव, जिस कैटेगरी में मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था। बेंजोडाइजेपिन आता है, बारबिट्यूरेट आता है, नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक सेडेटिव आते हैं। तो वही अब हम ड्रग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि गाबा कि हेल्प कैसे होने वाली है। गाबा खुद में कर लेता है, हमें पता है, लेकिन जब कुछ हम परेशानी में होते हैं, कोई डिसऑर्डर या कोई भी आपकी एंजाइटी रिलेटेड कोई भी ऐसा डिसऑर्डर है जिसे हम फेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें बाहर से सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और वो सपोर्ट सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है वो हम आज देखेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी जो हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, वो है बेंजोडाइजेपिन। देखें बेंजोडाइजेपिन कैसे काम करते हैं। चलिए देखो, आपने क्या देखा कि गाबा अपने अपने बाइंडिंग साइट से बाइंड हो रहा था और पूरा इसने क्लोराइड चैनल को ओपन किया, इनहिबिशन किया, ठीक है। अब क्या होता है, अब जिस इंसान को एंजाइटी हो रही है, ये गाबा इतना इनफ अमाउंट में नहीं होता है कि ये पूरा इनहिबिशन कॉज कर सके जितना रिक्वायर्ड है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो भी पर्सन है उसे क्या देंगे, हम बेंजोडाइजेपिन देंगे, ठीक है। देखते हैं बेंजोडाइजेपिन कैसे काम करते हैं। ये हमारे रहे, सपोज ये है हमारा बेंजोडाइजेपिन, जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया है BZD, ओके। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो बेंजोडाइजेपिन है, इनका नाम बेंजोडाइजेपिन इसीलिए पड़ा क्योंकि ये बेंजीन और डाइजेपिन रिंग दोनों के फ्यूजन से बनते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से आपका क्या कर रहे हैं, अपना एक्शन जो भी है वो परफॉर्म करेंगे। सो मान लीजिए यही वो इंसान है, ये किसी इंसान के बॉडी के अंदर का रिसेप्टर है, गाबा ए रिसेप्टर। मैंने बताया था सेम इसी रिसेप्टर पे बेंजोडाइजेपिन भी काम करेंगे। बेंजोडाइजेपिन आएगा, अब वो इस रिसेप्टर में अपनी बाइंडिंग साइट ढूंढेगा, ठीक है। जैसे गाबा ने बाइंडिंग साइट ढूंढी, अल्फा और बीटा का इंटरफेस था, लेकिन जो बेंजोडाइजेपिन की बाइंडिंग साइट है, देखो वो क्या है, ये अल्फा है, ये गामा है, इन दोनों सब यूनिट का इंटरफेस दिख रहा है आपको। ये फ्रंट पे था इसलिए मैंने इसे अलग से नहीं बनाया, ड्रॉ नहीं किया। ये रही आपकी, ये किसकी साइट है, अल्फा और गामा के बीच का जो इंटरफेस है, ठीक है, ये है हमारी
बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट BS, ओके। चलिए समझ में आ गया कहाँ पे है बेंजोडाइजेपिन की बाइंडिंग साइट, ये कहाँ थी गाबा की अल्फा और बीटा के इंटरफेस पे, ये कहाँ है अल्फा और गामा के इंटरफेस पे, क्लियर, ठीक है। अब होगा क्या, देखो बेंजोडाइजेपिन आएगा इस तरीके से अपने रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा, ये हुआ बाइंडिंग, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन ने क्या किया, बाइंडिंग की। अब बेंजोडाइजेपिन जैसे ही अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है, अब ये करता क्या है, जैसे आपने देखा था कि गाबा जैसे अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है, ये क्लोराइड चैनल को ओपन कर रहा था, क्लोराइड के अंदर एंट्री होती, लेकिन बेंजोडाइजेपिन क्या करता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बेंजोडाइजेपिन अकेले कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहली बात, बेंजोडाइजेपिन केवल गाबा की हेल्प कर सकता है, खुद में उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि अकेले वो जाएगा और अंदर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इस चीज को समझ पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि बेंजोडाइजेपिन को अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए गाबा की जरूरत है। तो देखें क्या इफेक्ट है बेंजोडाइजेपिन का। बेंजोडाइजेपिन जैसे ही अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है, वैसे ही वो गाबा की अपने रिसेप्टर से जो बाइंडिंग एफिनिटी है उसे बढ़ा देता है। समझ पा रहे, ठीक है, एफिनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, रिसेप्टर से बाइंड होने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम, एफिनिटी, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन, चलो ठीक है, आपने बेंजोडाइजेपिन्स ली, वो अपने रिसेप्टर से बाइंड हुई, लेकिन उन्होंने खुद एक्शन प्रोड्यूस नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये गाबा की जो अपने रिसेप्टर से बाइंडिंग एफिनिटी थी, ठीक है, उसे क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो अब इससे क्या एडवांटेज होने वाला है, गाबा ज्यादा से ज्यादा अपने रिसेप्टर से बाइंड होंगे, ठीक है, जितना ज्यादा गाबा अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा उतना ही ज्यादा जो क्लोराइड चैनल ओपनिंग जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि बेंजोडाइजेपिन के इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सी सब यूनिट की जरूरत है, तो आप क्या बोलेंगे बताइए। आपको सीधे दिख रहा है अल्फा और गामा तो जरूरी है ही है, क्योंकि अल्फा और गामा के इंटरफेस पे ही इसकी बाइंडिंग साइट है, लेकिन उसके साथ क्या आपको लगता है अल्फा और बीटा जरूरी नहीं है, इसीलिए क्यों बोला, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन हालांकि वो अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है, लेकिन बाइंड होने के बाद वो क्या कर रहा है, वो गाबा को अपने रिसेप्टर से बाइंड होने पे मदद कर रहा है कि वो ज्यादा एफिनिटी के साथ अपने रिसेप्टर से गाबा बाइंड हो सके और जल्द से जल्द जो आपकी फ्रिक्वेंसी है क्लोराइड चैनल की, सपोज एक मिनट में आपका जो ये चैनल है वो 50 टाइम ओपन होता है, ये वाला चैनल जो क्लोराइड चैनल है वो 50 टाइम ओपन होता है, लेकिन अगर आप बेंजोडाइजेपिन देते हैं तो वो क्या करेगा, 75 और 100 टाइम ओपन हो जाएगा। ये केवल एक एग्जांपल है, इसे समझ रहे, फ्रीक्वेंसी एक मिनट में कितने बार चैनल ओपन हो रहा है वो आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप सिंपली ये बोल सकते हो कि आपका जो बेंजोडाइजेपिन है उन्होंने क्या किया, उन्होंने गाबा की मदद की, गाबा को अपने रिसेप्टर से बाइंड होने में हेल्प की, ताकि गाबा जल्द से जल्द अपने रिसेप्टर से एफिनिटी के साथ बाइंड हो और क्लोराइड चैनल की ओपनिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए कभी भी आपसे पूछा जाए कि कौन से सब यूनिट आपकी जरूरी है, तो ये सारी अल्फा गामा तो तब जरूरी है क्योंकि बेंजोडाइजेपिन यहीं पे बाइंड होता है, साथ ही साथ बीटा भी जरूरी है, अल्फा तो है ही, बीटा भी जरूरी है क्योंकि ये अकेले कुछ नहीं करेगा, ये गाबा की ही तो मदद करता है और गाबा के इफेक्ट के लिए तो बीटा सब यूनिट भी जरूरी है ना। तो आप कह सकते हैं बेंजोडाइजेपिन के लिए तीनों सब यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। आई होप बेंजोडाइजेपिन का मैकेनिज्म आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। अब बात ये आती है, क्योंकि आपको बहुत सिंपल तरीके से दिखाई दे रहा है कि बेंजोडाइजेपिन गाबा की हेल्प कर रहा है, तो यही एक कारण है कि बेंजोडाइजेपिन के साथ जो एडवर्स जो इफेक्ट हैं आपके जो बॉडी में और आपके इम्पैक्ट पड़ सकते हैं वो बहुत कम पड़ते हैं। अगर बेंजोडाइजेपिन को आप बारबिट्यूरेट जो कि सेकंड कैटेगरी जो हम डिस्कस करेंगे उसके साथ आप कंपेयर करके देखोगे तो आपको साफ पता चलेगा कि जो बेंजोडाइजेपिन है वो ज़्यादा आपका क्या है, आपकी इफिकेसियस है या फिर सेफ ड्रग है। क्यों सेफ है, क्योंकि आप सीधे सीधे समझ पा रहे हैं कि बेंजोडाइजेपिन खुद में कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो गाबा की हेल्प कर रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी इंसान ने बेंजोडाइजेपिन्स ली हैं, आपको पता है ना बेंजोडाइजेपिन का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था, जिसमें डायजेपाम, लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम ऐसी बहुत सारी ड्रग हैं, ठीक है।
तो अगर किसी इंसान ने ये ड्रग ली है तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई उसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा या कार्डियोवास्कुलर सेंटर उसका डिप्रेस हो जाएगा, बिकॉज ये क्या करते हैं, आपकी ही बॉडी में प्रेजेंट गाबा को हेल्प करते हैं, खुद से इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। इसीलिए बेंजोडाइजेपिन ज़्यादा सेफ है देन दी बारब्यूटरेट्स। समझ में आया ना डिफरेंस क्यों है? अभी बारब्यूटरेट आप देखोगे वो डायरेक्टली क्लोराइड चैनल को ओपन कर देते हैं, उन्हें गाबा की जरूरत नहीं होती है। तो सपोज किसी इंसान के ब्रेन में गाबा भी बन रहा है, बाहर से बारबिट्यूरेट्स भी आपने दे दिए, तो वो दोनों के इफेक्ट एड ऑन हो जाएंगे और उनके एड ऑन होने की वजह से जो आपके एडवर्स रिएक्शन हैं, जो और सिस्टम पे इफेक्ट है, आप चाह तो रहे हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करना, लेकिन आपका रेस्पिरेशन भी डिप्रेस हो सकता है, आपका कार्डियोवास्कुलर सेंटर भी डिप्रेस हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं जब आप बारबिट्यूरेट्स यूज करते हैं। समझ पा रहे हैं ना इस चीज को? तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि बेंजोडाइजेपिन क्यों सेफ है, बार बार क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपसे अगर रीजनिंग का क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि क्यों आपका बेंजोडाइजेपिन ज्यादा सेफ है देन दी बारबिट्यूरेट, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो इम्पॉर्टेंट है हमें बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में पता होनी चाहिए वो है आपका यस, जो हमारे बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं ना, जब भी आप उनको आईवी एडमिनिस्टर करते हो, आईवी मतलब आप इंट्रावेनस रूट से अगर आप दे रहे हो, ठीक है, तो क्या इफेक्ट आपको मिलेगा? तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी बेंजोडाइजेपिन को ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रही थी, अगर आप आईवी एडमिनिस्टर करते हो, ठीक है, आईवी मतलब इंट्रावेनस अगर आपने दिया है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका कोरोनरी वैसो डायलेशन, ठीक है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी वेसल्स हैं, यानी कि वो वेसल्स जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है या हार्ट से ब्लड लेके जाती है, तो वो वेसल्स क्या हो जाएंगी, आपकी डायलेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। ये एक आपको पता होना चाहिए कि बेंजोडाइजेपिन का एक इफेक्ट है अगर आप क्या देते हो, आईवी देते हो। और यही कारण है कि अगर आप आईवी दे रहे हो और हाई डोज आपने दे दी तो हो सकता है कि ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपका वैसो डायलेशन कर रहा है, आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहा है। और हाई डोज में क्या हो सकता है, ये तो था आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में, और अगर आप इसे हाई डोज में देते हो, ठीक है, अगर आप नॉर्मल आप हिप्नोटिक और सेडेटिव डोज में दे रहे हो, यानी कि वो डोज जिससे इंसान केवल क्या होगा, उसको नींद आएगी या फिर काम होगा, वो डोज आप दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने हाई डोज दे दी, ठीक है, उससे ज़्यादा डोज आपने दे दी, तो उसकी वजह से आपका क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आएगी वो है न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकेज, ठीक है। और आप जानते हो ना न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हो जाएगी तो क्या होगा, जो हमारे NM रिसेप्टर हैं वो हमारे अगर ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर से क्या होता है, मसल्स पैरालाइज हो जाएंगी, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मसल पैरालाइज्ड हो जाएंगी, मूवमेंट बिल्कुल आपकी बॉडी के खत्म हो जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि डोज वेरिएशन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन अगर इस केस में भी आप बारबिट्यूरेट से कंपेयर करोगे तो ये फिर भी सेफ है। बारबिट्यूरेट की थेरापेटिक इंडेक्स बहुत नैरो होती है, थोड़ा सा भी डोज वेरिएशन बहुत आपको लीथल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आईवी में आपका क्या हो रहा है और अगर आपने हाई डोज में दिया तो आपको क्या चीज़ फेस करनी पड़ सकती है, आपके न्यूरोमस्कुलर जो आपकी न्यूरोमस्कुलर जो रिसेप्टर्स हैं, जो NM रिसेप्टर्स हैं, वो ब्लॉक हो जाएंगे। एसिटाइलकोलीन अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि आप जानते हो ना NM रिसेप्टर से कौन बाइंड होता है, एसिटाइलकोलीन, और उसी की वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि आपके मसल मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये दो पॉइंट आप अपने दिमाग में रखेंगे। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम बेंजोडाइजेपिन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो पहली तो आपको सीधे दिख रही है कि हिप्नोटिक और सिडेटिव की तरह, अगर किसी को किसी इंसोमनिया है, नींद नहीं आती है, तो आप तब बेंजोडाइजेपिन दे सकते हैं। अगर आपको कोई इंसान को एंजाइटी है, एंजाइटी मतलब
फेयर है ना, फेयर टू अननोन थिंग, यानी कि आपको पता नहीं है। देखो फेयर और एंजाइटी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। एंजाइटी में क्या होता है, जब हम किसी चीज से डर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें डर किस चीज से लग रहा है, अननोन है, ठीक है। लेकिन फेयर मतलब क्या होता है, अगर आपको किस चीज से डर लगता है तो आपको पता है कि आपको किस चीज से डर लगता है। सपोज मुझे हाइट से डर लगता है तो मुझे पता है मुझे हाइट से डर लगता है। किसी को अगर आपका रनिंग वाटर से डर लगता है तो उसे पता है उसे रनिंग वाटर से डर लगता है। तो इस तरीके से हमें अपने फेयर पता होते हैं, बट एंजाइटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंसान को अंदर से घबराहट होती है बट उसे पता नहीं होता कि उसे डर किस बात से लग रहा है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान को एंजाइटी है, यानी कि आप एज ए सेडेटिव आप उसे यूज कर सकते हो काम करने के लिए, उसको शांत करने के लिए अंदर से, है ना। इसके अलावा और क्या यूज हो सकते हैं बेंजोडाइजेपिन के, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप बेंजोडाइजेपिन दे सकते हैं। तीसरा आपका इफेक्ट है एंटी कन्वल्जेंट, ठीक है। अगर किसी भी इंसान को कन्वल्जेंस हो रहे हैं, सीजर हो रहे हैं, सीजर आप जानते हो कब होते हैं, जब ब्रेन में एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। तो अगर आप बेंजोडाइजेपिन दोगे तो उससे क्या होगा, एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर का लेवल कम हो जाएगा और उसकी वजह से जो कन्वल्जेंस आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा बेंजोडाइजेपिन और किस सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं, यस एंटी एंजाइटी में आपको बता चुकी हूँ, मसल रिलैक्सेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हाई डोज में क्या कर रहा है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज कर रहा है तो मसल्स आपकी रिलैक्स हो जाएंगी। तो ये इफेक्ट आपको हाई डोज में ही मिलेगा। तो ये आपके इफेक्ट है, ये यूज है आपके बेंजोडाइजेपिन्स के। इसके अलावा हम बात करें अगर साइड इफेक्ट्स की, कि बेंजोडाइजेपिन अगर कोई ले रहा है तो उसे कौन कौन से ऐसे आपके साइड इफेक्ट हैं जो फेस करने पड़ेंगे। फर्स्ट साइड इफेक्ट है आपका डिजीनेस। अगर कि कोई इंसान बेंजोडाइजेपिन की थेरेपी पे चल रहा है तो उसे क्या लगेगा, डिजीज आ, हर समय उसे क्या रहेगा, डिजीनेस सी फील होगी, ठीक है, या ड्राउजीनेस सी फील होगी, नींद आने वाली सिचुएशन उसको हमेशा रहेगी, एक्टिव नहीं रहेगा। सेकेंड हो सकता है आप बोल सकते हो लॉस ऑफ अलर्टनेस, यानी कि वो किस आप अलर्ट जैसे हम रहते हैं ना चीज़ों को लेके, अगर किसने बेंजोडाइजेपिन लिया है हम बार बार कह रहे हैं वो डिजी रहेगा तो ऑब्वियसली उसकी अलर्टनेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और ऑब्वियसली जब भी किसी को इंसान बेंजोडाइजेपिन ले रहा होता है तो उसे हमेशा ये बोला जाता है कि जब आपने बेंजोडाइजेपिन लिया है तो आपको क्या करना है, ड्राइविंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उसमें आपके जो मोटर स्किल्स, यानी कि आपके वो कोई भी काम आपने नहीं करना है जिसमें आपका मोटर आपके यूज होता है, ठीक है, मसल्स यूज होती हैं, बिकॉज आपने देखा है कि बेंजोडाइजेपिन मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं, तो उसकी वजह से आपका जो प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये इफेक्ट आपके क्या हैं जो बेंजोडाइजेपिन के आप साइड इफेक्ट इन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करती हूँ तो अगर नॉर्मल डोज है हिप्नोटिक डोज तो उसमें रेस्पिरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, अनटिल अनलेस पर्सन जो है वो हेल्दी होना चाहिए। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे पहले से रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, एलर्जी है या COPD वगैरह है, अस्थमा है, तो उसके केस में बेंजोडाइजेपिन आपका नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। अगर मैं बात करूँ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, कि अगर कोई इंसान ऐसा है कि जिसका बिल्कुल आपका हार्ट बिल्कुल हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर किसी को हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज है तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये ऐसे केस में आपको जब भी आप ये ड्रग दे रहे हैं तो आपको दिमाग में रखना है, ऐसे इंसान में आप ये मेडिसिन नहीं देते हैं। थर्ड आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आपकी बेंजोडाइजेपिन है ये एसिड के सिक्रीशन को कम करती हैं, और वो भी स्पेशली नॉक्टर्नल एसिड सिक्रीशन, जो नाइट टाइम में एसिड सिक्रीशन होता है उसे कम करती हैं। इसीलिए अगर किसी इंसान को स्ट्रेस अल्सर है, आप जानते हो ना अल्सर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत टाइम अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी अल्सर हो सकता है, तो स्ट्रेस अल्सर के ट्रीटमेंट में हम बेंजोडाइजेपिन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, नाइट टाइम में एसिड सिक्रीशन को सप्रेस करते हैं। तो ये था ऑल अबाउट बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन किस तरीके से काम करते हैं, इनके क्या यूज हैं, क्या इनके साइड इफेक्ट हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बारबिट्यूरेट्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन आप रिवाइज कीजिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं ट्राई करूंगी कि जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच।